वहीं नोएडा में भी जगह जगह जश्न का माहौल दिखा। भाजपा समर्थकों ने खूब किया डांस, चुनावी नतीजों के रंग में सराबोर दिखे कार्यकर्ता। नोएडा की दादरी विधानसभा से भाजपा के तेजपाल नागर की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर में बिठाया, फूल मालाओं से किया तेजपाल नागर का स्वागत। सीतापुर की महुली विधानसभा सीट से भाजपा के शशांक त्रिवेदी ने बुलडोजर के साथ निकाला विजय जुलूस। इटावा सदर से भाजपा की सरिता भदौरिया ने निकाला विजय जुलूस, काफिले में गाड़ियों के हुजूम के साथ बुलडोजर भी मौजूद रहे। मथुरा में श्रीकांत शर्मा ने जीत के बाद ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा ब्रजवासी और प्रदेश की जनता ने सुशासन का रंग घोला है, विकास की होली होगी। काशी की जनता ने गंगा आरती कर भाजपा की जीत की मनाई खुशी, दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो लेकर महागंगा की आरती। वहीं डोईवाला से भाजपा के ब्रजभूषण गैरोला ने जीत दर्ज करने के बाद शहीदों को किया है याद, देहरादून के शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, अपने क्षेत्र की जनता का भी जताया आभार। गाजीपुर के जहीराबाद सीट से बीजेपी जीत हाजिल करने के बाद सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने क्षेत्र की जनता का शुक्रिया किया, साथ ही कहा सरकार नहीं बना पाई, कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी। वहीं भाजपा की जीत पर संगमित्रा मौर्य ने जाहिर की खुशी, कहा जनता ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है, पिता की हार पर संगमित्रा का बयान, राजनीति में कोई अमर होकर नहीं आता। श्रावस्ती में भाजपा प्रत्याशी राम किरण पांडे ने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया, कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली तो बुलडोजर के साथ कार्यकर्ता झूमते नजर आए। अल्मोड़ा विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ शहर में निकाला जीत का जुलूस, जनता का जताया आभार, कहा अल्मोड़ा विधानसभा के विकास के लिए प्रदेश में बन रही भाजपा सरकार से लगातार करूंगा संघर्ष, अल्मोड़ा में पर्यटन के लिए करूंगा काम। अल्मोड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर कहा जनता का जनादेश उनके विपरीत गया, जबकि प्रदेश में भाजपा सरकार विफल रही और कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी को प्रमुखता से उठाया पर जनता को समझाने में हम सफल नहीं हो पाए। टिहरी जिले में बीजेपी ने 5 सीटों पर दर्ज की है जीत, कांग्रेस का सिर्फ 1 सीट पर ही लहरा है विजय पताका, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा प्रतापनगर सीट पर मिली हार की करेंगे समीक्षा। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मजबूती से लड़ने के बावजूद सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई है, अब संगठन स्तर पर करेंगे हार की समीक्षा।